भारत में भी कोरोना वायरस से निपटने के लिए बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन की योजना बनाई जा रही है। भारत सरकार राज्यों की मदद से लोगों तक जल्द से जल्द वैक्सीन को पहुंचाने की तैयारी में जुटी है। इस बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन की सहयोगी संस्था गावी वैक्सीन अलायंस ने बताया है कि भारत को वैक्सीनेशन के पहले चरण के लिए 103.11 अरब से 132.57 अरब रुपए खर्च करने पड़ सकते हैं। वैक्सीन के 60 करोड़ डोज की जरूरत। कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित देशों में भारत का स्थान अमेरिका के बाद दूसरा है। भारत सरकार अगले 6 महीने से 8 महीनों में 30 करोड़ लोगों को वैक्सीन की डोज दिए जाने की तैयारी में है। जिन वैक्सीन पर भारत की नजर है उनमें एस्ट्रोजेनेका, रूस के स्पुतनिक, जाइडस कैडिला और स्वदेशी भारत बायोटेक शामिल है। इसके अलावा भारत को अपनी बड़ी आबादी के वैक्सीनेशन के लिए लगभग 60 करोड़ डोज की जरूरत होगी। भारत को खर्च करना होगा इतना पैसा। गावी वैक्सीन अलायंस की मंगलवार से शुरू हुई बोर्ड की बैठक में एक प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार अगर भारत को कोवैक्स फैसिलिटी के जरिए 19 से 25 करोड़ डोज मिल जाते हैं तो सरकार को बाकी के वैक्सीन की डोज के लिए 103.11 अरब रुपए खर्च करने पड़ेंगे। दूसरी ओर अगर भारत को पहले से कम 9.5 करोड़ से 12.5 करोड़ वैक्सीन की डोज दी जाती है तो उसे 132.57 अरब रुपए तक खर्च करने पड़ सकते हैं। इस खबर के बारे में अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। साथ ही कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हर खबर सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।